अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब की। लास्ट टाइम मैंने आपसे हिप जॉइंट की बात की थी और मैंने आपसे वादा किया था कि जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो नी जॉइंट की बात करेंगे। और इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है लोअर लिम्ब का वो कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेग की, एंकल की, उसके बाद हम बात करेंगे फुट की, और हमारा जो लोअर लिम्ब के लेक्चर्स की सीरीज है पूरी जाएगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके साथ नी जॉइंट शुरू करूं, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने जहन में रखनी है और बच्चों को, बात यह है कि नी हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा वेट बेयरिंग जॉइंट भी है। इसलिए नी में बताने के लिए बहुत कुछ है, तो वीडियो थोड़ी सी जो है वो जो नॉर्मल हमारी वीडियोज़ हैं उसके मुकाबले में थोड़ी सी लेंथी होगी, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग जो है वो नी को कितना जल्दी कम्प्लीट करने में कामयाब होते हैं। कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि असल में मसला टाइमिंग का तो है, साथ ही साथ क्योंकि वो अंग्रेजी में मुहावरा है, वो कहते हैं कि लॉन्ग स्पीचेज आर नेवर वेलकम। तो खैर, स्पीच तो नहीं है तो लेक्चर है, चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम्ब की, और आप मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं करेंटली एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं विद इन डेज एसोसिएट प्रोफेसर होने वाला हूँ, तो जब एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएंगे तो उसको एसोसिएट प्रोफेसर कर देंगे। ओके, जब हम नी जॉइंट को पढ़ेंगे तो हमारा तरीका वही होगा जो हम पहले फॉलो करते हैं, यानी मैं इस तरह की स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। इस स्लाइड को मैं चंद सेकंड के लिए स्क्रीन पर रोकूंगा, आप इसको पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहेंगे तो उसको नोट्स करना बनाना चाहेंगे तो नोट्स बना लेंगे, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आपको डायग्राम में दिखाता जाऊँगा और बताता जाऊँगा कि हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिए, जो भी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये हमारा नी जॉइंट है। इसके साइज से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना बड़ा जॉइंट है। बेसिकली जब हम नी को बोलते हैं, देखते हैं, तो नी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है, एंड द रीज़न बीइंग कि नी इज़ नॉट अ सिंगल जॉइंट। नी बेसिकली तीन जॉइंट्स हैं जो मिलकर एक जॉइंट बना रहे हैं। उनमें से ये आपको कंडाइल दो फीमर नज़र आ रहे हैं, फीमर आप लोगों ने यकीन पड़ी होगी, तो ये आपको इसका लेटरल कंडाइल नज़र आ रहा है। मैं फिबुला को देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया, ये हमें इसका मीडियल कंडाइल नज़र आ रहा है। तो जहाँ पर दो कंडाइल फीमर के, दो कंडाइल्स ऑफ टिबिया के साथ कॉन्डाइलर जॉइंट या हिंज जॉइंट बना रहे हैं, और उसके साथ जो तीसरा जॉइंट है वो आप देख रहे हैं पटेला है, और पटेला जो है वो ये पटेला सफ़ेद ऑफ फीमर का, इसके और पटेला के बीच में एक ग्लाइडिंग जो है वो जॉइंट बनता है। तो ये दो जॉइंट है बेसिकली, और ये दोनों जो है वो सिनोवियल जॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि नी जॉइंट में जो कॉन्डाइलर जॉइंट है इसको लेकर थोड़ी सी डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये हिंज जॉइंट की वैरायटी है, इसलिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये हिंज जॉइंट नहीं है, ये कॉन्डाइलर जॉइंट है, और क्योंकि इसके अंदर रोटेशन भी होती है। आपको पता है हिंज जॉइंट्स के अंदर, जैसे एल्बो आपने पढ़ी है, हिंज जॉइंट के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि नी के ऊपर थोड़ी सी रोटेशन भी होती है, इसलिए कुछ लोग इसको हिंज जॉइंट नहीं, इसको कॉन्डाइलर जॉइंट जो है वो कंसिडर करते हैं। तो वो कहते हैं कि नी इज़ बाय कॉन्डाइलर जॉइंट। तो आपने ये डिस्कशन अपने ध्यान में रखनी है, ताकि अगर आप कहीं पर नी को हिंज की बजाय कॉन्डाइलर जॉइंट पढ़ें तो आप परेशान ना हो कि यार ये क्या हुआ, सर ने तो हिंज जॉइंट बताया था और ये कॉन्डाइलर जॉइंट की बात हो रही है, ये क्यों। तो इस तरीके से ये तीन जॉइंट मिलके, या अगर आप दोनों कॉन्डाइलर जॉइंट को एक जॉइंट कंसीडर कर लें, तो ये दो जॉइंट मिलके एक जो है कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा जॉइंट बना रहे हैं, जिसको हम जनाब अली हिंज वेराइटी का नी जॉइंट और ग्लाइडिंग वेराइटी का पटेलो फीमोरल या पटेलर जॉइंट भी कहते हैं। तो ये पूरा हमारा नी जॉइंट है, और ये आप देख रहे हो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, देखें ये हमारे कंडाइल हैं, ये लेटरल कंडाइल है, ये मीडियल कंडाइल है, और ये टिबिया की जो रिलेटिव कंडाइल हैं उनके साथ कंबाइन करके ये यहाँ पर हमारे पास जॉइंट बना रहे हैं। ठीक हो गया बेटे, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है और इस बात को आपने भूलना नहीं है। ठीक, उसके बाद पटेला जॉइंट को जब हम देखते हैं, तो देखिए ये हमें पटेला नज़र आ रहा है, ये इतना होती सी पटेला सफ़ेद होती फीमर, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप ये ग्लाइडिंग जॉइंट जो है आपको नज़र आ रहा है, और ये हमें यहाँ पर कंडाइलर जॉइंट जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह नहीं है, इट्स ए क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है ना, तो ये काफ़ी जो है वो बड़ा और बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है। तो ये हमने इसके बारे में समझ लिया। ठीक हो गया बेटे, अब इसकी आर्टिकुलेशन की मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बात कर ली है, फिर भी ये स्लाइड मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूँ। तो देखिए, स्लाइड में मैंने इसकी आर्टिकुलेशन को लिख दिया पूरे को, आप इसको यहाँ पर पॉज करें, चाहे तो स्क्रीन शॉट लें, चाहे नोट बनाएं, वो आप देख लीजिए आपको मर्जी। ठीक है, मैं अब आपको समझा देता हूँ।
जब इसकी आर्टिकुलेशन तो हम लोग देखते हैं तो आपको पता है कि जो इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्विस है नी ज्वाइंट की, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उनमें दो हमारे पास राउंडेड कंडाइल हैं फीमर के, जो कि हमारे लेटरल और मीडियल कंडाइल हैं, और ये जाके आर्टिकुलेट कर रहे हैं अपने रिलेटिव कंडाइल ऑफ टिबिया से। तो ये आपको लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया नज़र आ रहा है और ये आपको मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया नज़र आ रहा है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। और आपको पता है टिबियल कंडाइल के ऊपर वाली जो फ्लैट सफ़ेद होती है उसको हम प्लेचू बोलते हैं, टिबियल प्लेचू। जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको टिबियल प्लेचू नज़र आ रहे हैं, और आप देख रहे हो इसके ऊपर आपको ये मीडियल और लेटरल मेनिस्काय भी रखे हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके भी थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरी जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है वो आपको मालूम है, वो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस मैंने आपको दिखाई ऑलरेडी यहाँ पर, कि वो पटेला की जो पोस्टीरियर सर्फेस है वो बना रही है पटेलर सर्फेस ऑफ फीमर के साथ, और ये ग्लाइडिंग वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। यहाँ पर आपने याद रखना है, जैसे सारे जॉइंट्स की जो आर्टिकुलर सर्फेस होती हैं साइनोवियल जॉइंट्स की, वो हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो आर्टिकुलर सर्फेस होंगी नी जॉइंट की, वो भी हाईलाइन कार्टिलेज से जो है वो कवर्ड हो। ठीक है बेटा, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी। अच्छा, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बेटा इसको लाइक का बटन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे शिकायत यही है कि आप सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जिनको प्रॉब्लम हो रही है नॉट भी समझने में पढ़ने में, उसको उनको इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिले और हमारा भी जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, ओके। जब हम कैप्सूल की बात करते हैं अपने नी जॉइंट की, तो उसके कैप्सूल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, या आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना लीजिए, जो भी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। उसका जो कैप्सूल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए, जब हम नी जॉइंट के कैप्सूल देखते हैं तो हमें इंकशाफ होता है कि नी जॉइंट के जो कैप्सूल है वो उसकी तीन सर्फेसिस को तो कवर करता है, ये इसको लेटरली कवर करता है, ये इसको पोस्टीरियरली कवर करता है, और ये इसको मीडियली कवर करता है, बट एंटीरियरली जो कैप्सूल होता है वो डेफिशिएंट होता है। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। ऐसा हो रहा है पटेला की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पटेला एक जॉइंट बना रही है, और मुस्तकिल यहाँ पर जब आप भी आप नी को फ्लेक्स और एक्सटेंड करते हैं, पटेला यहाँ पर मूव करती रहती है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर कैप्सूल मौजूद होता तो यहाँ पर ये जो पटेलर मूवमेंट है ये उस कैप्सूल को डैमेज करती और आप लोगों के लिए जो है बड़ा ट्रबल कर देती। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है नी जॉइंट का, इट इज़ नॉट इनक्लोज बाई कैप्सूल। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि जो एंटीरियर एस्पेक्ट है कैप्सूल का, चूँकि मिसिंग है, तो यहीं से देखिए ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ से बाहर निकल रही है और ये एक पाउच बना रही है सिनोवियल मेम्ब्रेन का, और ये जो पाउच है इसको आप सुपरा पटेलर बर्सा के नाम में देते हैं, और यही सुपरा पटेलर बर्सा मेक श्योर करता है कि जब पटेला फीमर के ऊपर मूव करे तो यहाँ पर फ्रिक्शन या तो जनरेट ना हो या फिर इतनी मिनिमम हो कि आपकी फंक्शनैलिटी के ऊपर उससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। तो ये बात हमें रखिएगा, ठीक हो गया ना। तो ये जो आपको पाउच नज़र आ रहा है सिनोवियल मेम्ब्रेन द्वारा सुपरा पटेलर बर्सा, ये पाउच पॉसिबली इसलिए हुआ है क्योंकि जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वो डेफिशिएंट है। आप समझ रहे हैं कि अगर एंटीरियर एस्पेक्ट में कैप्सूल होता तो ये सिनोवियल मेम्ब्रेन कैप्सूल के अंदर बंद होती और इस तरीके से यहाँ पर जो पाउच जो है वो नहीं बनता। अच्छा, अब चूँकि कैप्सूल में हमें यहाँ पर थोड़ी सी डेफिशिएंसी है तो हमें अब क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है। और आपने ध्यान में रखना है कि इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल है उसका जो टेंडन है वो यहाँ पर क्या कहना चाहिए इसको, ज़्यादा फाइबरस हो जाता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर इसके, और जब वो ज़्यादा फाइबरस हो जाता है तो वो एक टेंडन बना लेता है जिसको हम ऑब्लिक पॉपलिटल टेंडन भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट या एंटीरियर एस्पेक्ट, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट जब हम उसे देखेंगे तो देखेंगे हमें ऑब्लिक पॉपलिटल जो है वो लिगामेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये जो ऑब्लिक पॉपलिटल लिगामेंट आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये ऑब्लिक पॉपलिटल लिगामेंट सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल जो है उसकी एक्सपेंशन है, और ये इसीलिए है ताकि यहाँ पर जॉइंट को फर्दर जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, फर्दर इसको जो है वो मजबूत किया जाए। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब जब हम देखते हैं, मैं आपको पिछले डायग्राम वापस दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास लेटरल कोलेटरल और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट आपके पास मौजूद है, बट जब हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को देख रहे हैं तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल मेनिस्कस के बीच में एक विंडो है, जिस विंडो से ये पॉपलिटियस का जो टेंडन है वो इमर्ज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो मीडियल मेनिस्कस से डैमेज जो अटैच होता है, और जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है वो लेटरल मेनिस्कस से अटैच नहीं होता। इसीलिए जब हम नी की इंजरीज को देखते हैं तो हमें हमेशा मीडियल मेनिस्कस और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं है, गैप नहीं है, और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल जो हमारा मेनिस्कस है उसकी इंजरीज कम नज़र आती है। ठीक है बेटा, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये जो लेटरल एस्पेक्ट है ये पॉपलेटर मसल के टेंडन को स्पेस देने के लिए थोड़ा सा इसने यहाँ पर गैप प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है बेटा,
ठीक हो गया? ओके, ये जितनी भी बातें मैं आपसे करता जा रहा हूँ ये सारी मैंने इन स्लाइड के अंदर लिख दी हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, वरी नहीं होना, आप सिर्फ मेरे सर को समझते जाएं। फिर जब आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आप इसके नोट बना लीजिएगा या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे वो कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद नी चूँकि एक बहुत ही बड़ा जॉइंट है और वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी ना नहायत ज़रूरी है। तो इसको स्टेबल करने के लिए अल्लाह ताला ने इसके साथ बहुत सारे लिगामेंट रखे हैं, जिनको हम लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट कहते हैं। और डिस्क्रिप्शन पर्पज़ के लिए हम लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कुछ लिगामेंट वो होते हैं जो कैप्सूल के अंदर होते हैं, कुछ लिगामेंट वो होते हैं जो कैप्सूल के बाहर होते हैं। तो जो लिगामेंट कैप्सूल के अंदर होते हैं उनको हम इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, और जो कैप्सूल के बाहर होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट कहते हैं। तो ये लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में एग्जामिनर जो होते हैं उनके बड़े फेवरेट होते हैं, और ये अक्सर वो आपसे पूछते रहते हैं कि भाई इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट कौन सा है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट कौन सा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक हो गया? तो ये डायग्राम है जिसके अंदर सारे आपको लिगामेंट जो है यहाँ पर नी जॉइंट के अराउंड जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप एक ही कट के हम उनको देख लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें ऑब्लिक पॉपुलेटरी लिगामेंट भी आपको नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं कि ये क्या क्या मामला है और ये कैसे कैसे सारी जो है वो लिगामेंट जो है वो फंक्शन कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। अब देखें लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट को मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा कैप्सूलर इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट में डिवाइड कर लिया जाता है। तो जो आपके एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट हैं ये वो लिगामेंट हैं जो कि कैप्सूल से बाहर होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास टीबियल या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, या यहाँ आपका फिब्रिलर या लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ये दोनों कैप्सूल से बाहर हैं तो ये एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है। इसी तरीके से आपका जो ऑब्लिक पॉपुलेटरी लिगामेंट था जो कि मैंने आपको बताया था आपकी सेमी मेम्ब्रेनस मसल की जो थिकनिंग थी वो भी यहाँ पर मौजूद होती है, और वो भी जो है आपके एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट होती है। जब इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट की हम बात करते हैं तो हमारे पास जनाब अली एक दो बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशियल मसल होते हैं, लिगामेंट होते हैं एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट, जो इस डायग्राम में आपको नजर नहीं आ रहा है बट वो किसी और डायग्राम में आपको नजर जरूर आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड नंबर की, ये देखिए ये नज़र आ रहा है ना, दी दर दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, इनके बात करेंगे। इसके अलावा एक और लिगामेंट जो कि इसके साथ अटैच करता है वो बेटा लिगामेंट ऑफ पटेली है, जो बेसिकली क्वाड्रिसेप्स टेंडन का लिगामेंट है, और ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन का जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो है इसके अंदर जो पटेला जो है वो ओरिजिनेट होती है, और पटेला जो है उसका जो लिगामेंट होता है उसको आप लिगामेंटम पटेली भी कहते हैं, ठीक है जी बेटा? तो जब लिगामेंट को हम देख रहे हैं तो मैंने बताया एक्स्ट्रा इंट्राकैप्सूलर लिगामेंट है। अब देखिए, अब हम एक एक करके लिगामेंट को जो है वो देखते आते हैं कि लिगामेंट कौन कौन से। अब देखें सबसे पहले जो हमें लिगामेंट नज़र आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट हमें नज़र आ रहा है वो लिगामेंट पटेली है, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखें लिगामेंटम पटेली को उन्होंने यहाँ पे किया हुआ। अब बेसिकली होता क्या है, क्वाड्रिसेप मसल हमने पढ़े थे थाई में, एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपको याद है कि चार मसल मिलके एक जो है वो ग्रुप बना रहे थे क्वाड्रिसेप मसल का, तीन वास्टाएँ थे और एक उसमें क्वाड्रिसेप अपना रेक्टस फेमोरिस था। अब ये चारों मसल आके इस पटेला के ऊपर आके इंसर्ट होते हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए पटेला इनके टेंडन के अंदर डेवलप होती है, फिर इस पटेला से ये टेंडन जाता है और टिबियल डिब्लॉसिटी में जाके इंसर्ट हो जाता है। तो ये जो आपको लिगामेंट नज़र आ रहा है इस लिगामेंट को हम पटेला लिगामेंट जो है वो नाम देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट को प्रोटेक्ट भी करता है, और ये पटेला को जो है वो ओरिजिन की साइड भी प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। उसके बाद जो दूसरा लिगामेंट है जिसे आप यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इट्स लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, जिसको हम फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको हम लेटरल कोलेटरल या फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेटरल एस्पेक्ट पे यानी फिब्युला की साइड पे जो होता है। जब हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को देखते हैं तो ये कॉर्ड लाइक लिगामेंट होता है, और ये ऊपर लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर से अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और नीचे जब आप इसको देखेंगे तो नीचे जाके जनाब ये हेड ऑफ द फिब्युला पे जाके इंसर्ट हो रहा है, जैसा आपको नजर आ रहा है। अब मैंने आपको बताया कि जब आप इसको देखते हैं और मेनिस्काय को देखते हैं तो उसके बीच में आप देख रहे हैं ये पॉपुलेटरी मसल के टेंडन के बीच में तो गुजर रहा है, तो इसके बीच में जो है एक गैप होती है जो उसको सीरियस तरह की इंजरी से जो है बचा लेती है, जैसे उस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया इस वाले डायग्राम में। तो ये देख रहे हैं आप, ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है और ये पॉपुलेटरी टेंडन इसके और लेटरल मेनिस्कस के दरमियान में मौजूद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। वो आपसे पूछेंगे कि यार जब भी नी को इंजरी होती है तो मीडियल साइड में इंजरी ज़्यादा क्यों होती है, लेटरल साइड पर क्यों नहीं होती? तो ये अगर चीज़ आपके ध्यान में होगी तो आप इसीलिए उसके जवाब दे पाएंगे, ठीक है बेटा? ओके, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लिगामेंट है वो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, जिसको हम टिबियल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। अब ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट नज़र आ रहा है ना। ये भी आप देख रहे हैं कि ऑपर जो है वो मीडियल कंडाइल ऑफ दी
फीमर के साथ अटैच है, और जब नीचे को हम देखते हैं तो नीचे जाके जनाब ये शाफ्ट ऑफ दी टिबिया के ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा है, आप देख रहे हो। अब जनाब ये जो है मैंने कहा बहुत टाइटली मैंने आपको बताया जो मीडियल मेनिस्कस होता है उससे अटैच होता है और उसके बीच में कोई गैप नहीं होता, इसलिए जो ज़्यादा इंजरीज होती हैं वो आपको नी पे हमेशा मीडियल एस्पेक्ट पर मिलती हैं, लेटरल एस्पेक्ट पर कम मिलती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो ऑब्लिक पॉपुलेट लिगामेंट है उसकी मैं आप ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ कि सेमी मेम्नोसिस जो मसल होता है उसकी थिकनिंग होती है, तो यहाँ पर ऐसे कोई खास बात नहीं है। अब अगर इस डायग्राम को मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको वो चीज़ समझ में आएगी जो हम बात कर रहे हैं। देखें ये हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, ये हमारे पास लेटरल कोलैटरल लिगामेंट है, और देखें मीडियल लेटरल कोलैटरल लिगामेंट के बीच में ये आपको लेटरल और कोलैटरल लिगामेंट और लेटरल मेनिस्कस के बीच में पॉपुलेटरी मसल का टेंडन नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब भी इंजरी होगी तो वो आपके जो लेटरल एस्पेक्ट होगा उसको कम इन्वॉल्व करेगी, उसको कम डैमेज करेगी, और मीडियल एस्पेक्ट को ज़्यादा डैमेज करेगी। बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है बच्चों से सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। जब हम इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट को देखते हैं तो यहाँ पर दोनों लिगामेंट हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये आपको एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट नज़र आ रहा है जो कि आगे से पीछे की तरफ जाकर अटैच हो रहा है, और ये पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है जो पीछे से आगे की तरफ जाकर अटैच हो रहा है। तो जब हम एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है ये इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया से ओरिजिनेट होता है, ये पास करता है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ जाता है ऊपर की तरफ जाता है, और जनाब अली जो मीडियल सफ़ेद ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर है वहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाता है। अब ये पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है, यानी जब आप नी के साथ चल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, पीछे हट रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो ये मेक श्योर करता है कि आपके जो कंडाइल ना फीमर के वो पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड पे डिस्प्लेस ना हो जाए, निकल ना जाए। तो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये उसको जो है बांध के रखते हैं, उसको आगे पीछे नहीं जाने देते। तो ये आपने एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको इसके को डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये आप देख रहे हैं ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है, ये एंटीरियर जो इंटरकंडाइलर एरिया है टिबिया का वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वहाँ से देखें अभी अपवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, और ये देख रहे हैं आप जो लेटरल कंडाइल है फीमर का उसके मीडियल सरफेस पे जाके ये अटैच हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ध्यान में रखना है। और ये जनाब अली कैप्सूल के चूँकि अंदर होता है तो ये इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट है। इसी तरीके से जब हम पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट को देखते हैं तो आप समझ रहे हैं कि जो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है वो जनाब अली पोस्टीरियर इंटरकंडाइल एरिया और टिबिया से अटैच होता है, ये आगे की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, और जाके जनाब ये जो लेटरल सरफेस है मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर की उससे जाकर ये इंसर्ट हो जाता है, उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। तो और भी कोई डायग्राम में देखता हूँ कहीं ना कहीं हमें नजर आ ही जाएगी। ये देखें तो ये देखें ये हमें एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट नज़र आ रहा है, इंटरकंडाइल एरिया से स्टार्ट हुआ, ये हमारा लेटरल साइड है, ये हमारा मीडियल साइड है, और देखिए ये जा रहा है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और ये जो लेटरल कंडाइल है फीमर का उसकी मीडियल सरफेस पे जाके अटैच हो गया। इस तरीके से पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है जो इंटरकंडाइल एरिया से आ रहा है, अब ये आ रहा है फ्रॉम अब पीछे से आगे की तरफ ऊपर की तरफ, और ये जो मीडियल कंडाइल है उसकी लेटरल सरफेस पे जाके देखिए इंसर्ट हो गए। अब जिस तरह से एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है, उसी तरीके से जो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट है वो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है। और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, यानी जो इनका नाम होगा इसके ऑपोजिट साइड की डिस्प्लेसमेंट को ये प्रिवेंट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद ये मैं आपके लिए इसकी स्लाइड ला दूँ, ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट तो हो गया, ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट आप इसको पॉज करके इसके स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले लें, और अगर इसकी नोट बनाना चाहें तो भी बना लें। और ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की ये हमारे लिख दी, ठीक है बेटा। उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आती है वो हमें मेनिस्काय नज़र आते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके लेटरल साइड है फीमर के मीडियल साइड, तो ये आपको मीडियल मेनिस्काय नज़र आ रही है और ये आपको लेटरल मेनिस्काय नज़र आ रही है। अब जब मेनिस्काय को आप और मैं देखते हैं तो ये सी शेप जो है वो बैंड होते हैं फाइब्रो कार्टिलेजेस के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कुशन का काम करते हैं। और आप समझ रहे हैं कि जो मीडियल मेनिस्कस है ये मीडियल साइड से ऑफ द कंडाइल ऑफ द फीमर एंड टिबिया के साथ अटैच है, और जो लेटरल है वो लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर और टिबिया के साथ अटैच है। तो जब आप चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हाथों में जब आप जंप करते हैं तो उस वक्त ये जो है कुशन का काम करते हैं, और ये टिबिया और जो फीमर है उनके कंडाइल्स को बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ क्रश होने से बचाते हैं, इस तरह से ये आपको आर्थराइटिस से बताते हैं। तो ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसे आपने ध्यान में रखना है, ठीक हो गया बेटे। तो ये आपके लिगामेंट से जनाब अली आपके कैप्सूल ऑफ दी सॉरी लिगामेंट से आपके नी ज्वाइंट ये जो है कि आपके इंट्रा और एक्स्ट्रा कैप्सूल लिगामेंट थे। यहाँ भी देखेंगे आपको
मैंने इसके आई की अटैच में नज़र आ रही है, और ये आपको आपके जो मिडिल कंडाइल टीबीआई की और लेटर कंडाइल टीबीआई की वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद जब हम साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो नी चूँकि बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, इसलिए इसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन बड़ी ज़बरदस्त है, और इसकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो बहुत सारे बरसात बना रही है। आपको पता है ना बरसा क्या होता है? बरसा इज अ सैक ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, और वो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है तो आपको मूवमेंट करने में आसानी होती है। ये आपने इसकी नोट बना ली होगी होपफुली। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन मदर बरसा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जनाब अली सुब्रा पटेले बरसा नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आप देख रहे हो इधर, ये सुब्रा पटेले बरसा ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आपको प्री पटेले बरसा नज़र आ रहा है जो पटेला और स्किन के दरमियान में, इसी तरीके से यहाँ पर आपको सब कुटेनियस डीप इंफ्रा पटेले बरसा नज़र आ रहा है, और ये जो इंफ्रा पटेले बरसा है आप देख रहे हैं ये पटेला से नीचे, तो बहुत सारे जो बरसात होते हैं वो अटैच करते हैं, एसोसिएट करते हैं नी जॉइंट के साथ, ताकि जब आप मूवमेंट करें तो आपको मूवमेंट आपकी स्विफ्ट हो, मूवमेंट आपकी आसान हो। बाकी ये सिनोवियल कैविटी आपको नज़र आ रही है, और आप देख रहे हैं सिनोवियल कैविटी जो है ये सुप्रा पटेल बरसा तो पहले ही बात कर चुके हैं एंटी कैप्सुल डेफिशिएंसी की वजह से। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये किन सर आपको जो है वो देखिए सुप्रा पटेल बरसा नज़र आ रहा है आपको इस तरीके से, आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर सिनोवियल मेम्ब्रेन और ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, बहुत बड़ा जॉइंट है, तो बहुत सारे इसके साथ सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल फ्लूइड और बरसात जो है वो मौजूद है। और आप ध्यान में रखना है कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला जॉइंट है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपको आर्थराइटिस की शिकायत मिलती है वो भी नी में ही मिलती है, वेट बेयरिंग जॉइंट है ना इसलिए। ओके, अब जब हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो अब आपने ध्यान में रखना है वो हिल्टन लॉ हम यहाँ दोबारा अप्लाई कर लेंगे कि जो जो मसल नी के ऊपर मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो नर्व सप्लाई होगी वो आपकी नी की नर्व सप्लाई होगी। तो देखें यहाँ पर फीमोरल, ऑब्चुरेटर, कॉमन पेरिटोनियल और टिबियल नर्व्स हैं जो नी जॉइंट को सप्लाई करती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितनी सारी नर्व्स हैं जो नी जॉइंट को जो है यहाँ सप्लाई करनी, ये आप देख सकते हैं। इस तरह जब हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो चूंकि नी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट है, तो इसकी ब्लड सप्लाई का भी अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बंदोबस्त किया है। और आपने ध्यान में रखना है जहाँ भी आप वर्ड सुना करें जेनिकुलर, जैसे ये लिखा हुआ है इधर जेनिकुलर ब्रांचेज, तो जेनिकुलर वर्ड का मतलब ही रिलेटेड विद नी जॉइंट होता है। तो जहाँ पे आप वर्ड सुनेंगे जेनिकुलर आप समझ जाएंगे नी जॉइंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक पूरा एनास्टोमोसिस होता है जिसको हम जेनिकुलर एनास्टोमोसिस कहते हैं, और जनाब अली उस जेनिकुलर एनास्टोमोसिस के अंदर बहुत सारी जो है वो ब्रांचेस फीमोरल और पॉपुलेटरी आर्टरी की इन्वॉल्व होती हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी टिबियल आर्टरीज होती हैं, जो कॉमन पेरोनियल आर्टरीज होती हैं, वो भी रिकरेंट ब्रांचेज देती हैं जो लेग से वापस आके यहाँ पर एक पूरा का पूरा जो है वो एक आपका जो है क्या कहना चाहिए इसको एनास्टोमोसिस जो है बना रही है। तो देखें पॉपुलेटरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, इस तरह से आपकी टिबियल आर्टरी की, और ये जो आपकी रिकरेंट ब्रांचेज हैं, और ये सारी की सारी जगह इसके अराउंड जो है वो जनाब अली आपका एनास्टोमोसिस बनाने। तो नी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, तो इसलिए इसका एनास्टोमोसिस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, देखिए फीमोरल की ब्रांचेज, पॉपुलेटरी की ब्रांचेज, फिर रिकरेंट ब्रांचेज आपकी टिबियल आर्टरीज की, पुश्की एंटीरियर दोनों की। तो ये पूरा एक आप देख रहे हैं एक गुच्छा, एक नेटवर्क बन गया आर्टरीज का, जिसको हम रिकरेंट आर्टरीज का जो है वो सॉरी जेनिकुलर एनास्टोमोसिस के नाम देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चूँकि नी खुद बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी मसल सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लो बेटा, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करो, और चैनल सब्सक्राइब करके जो है वो वीडियो देखा करो, मेहरबानी कीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब जब मूवमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है नी जॉइंट, मैंने आपको बताया इसके ऊपर थोड़ी डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंज जॉइंट है तो फ्लैग एक्सटेंशन के ऊपर हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं यार चूंकि रोटेशन हो रही है तो हिंज तो नहीं है, ये कॉन्टाइलर जॉइंट है। तो आपने ध्यान में रखना है हम इसको हिंज समझें या कॉन्टाइलर समझें, बाल इस पर फ्लैग एक्सटेंशन हो सकती है और थोड़ी सी मीडियल और लैटरल रोटेशन भी हो सकती है। तो जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखें ये आपको ये इसकी आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी नज़र आ रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें लॉकिंग और अनलॉकिंग होती है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ क्या होती है वो हो रही है, और साथ में फ्लैग एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब कौन कौन से मसल हैं जो फ्लेगियन और एक्सटेंशन करवा सकते हैं उसको हम थोड़ी सी बात करते हैं, मगर उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं जिसको हम कहते हैं नी लॉकिंग का। देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब आप खड़े पे होते हैं और आपकी नी एक्सटेंडेड होती है तो आपका जो मसल है, और वो कौन सा मसल है बेटा, आपके जो लिगामेंट्स हैं ये नी के लिगामेंट बहुत टाइट हो जाते हैं, और जब ये नी के लिगामेंट बहुत टाइट हो जाते हैं तो ये आपकी नी को फ्लेक्स नहीं होने देते एकदम। ठीक है, तो नी जो है वो लैटरली रोटेट हो जाती है, और जब नी लैटरली रोटेट हो जाती है तो उसके बाद ये जो है
क्या कहना चाहिए उसको, लेटरली रोटेटर में आपसे क्या क्या, सॉरी ये जो नी है आपकी ये मीडियली थोड़ी रोटेट करती है और ये लॉक हो जाती है। अच्छा, अब जब ये लॉक हो गई तो अब ये फ्लैक्स नहीं हो सकती, इसलिए जब आप खड़े होते हैं तो आप एकदम अपनी टांग को जो है अपनी लेग को जो है नी को फ्लैक्स नहीं कर सकते। तो इसको ये जो पोजिशन होती है जिसमें आपके सारे जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर मसल होते हैं वो टॉट हो जाते हैं और आपके जो नी है वो थोड़ा सा मीडियली रोटेट हो जाता है, इसको हम कहते हैं लॉकिंग हो गई नी जॉइंट की, ठीक हो गया। अब अगर आपने नी को फ्लैक्स करना है तो आपको नी को पहले अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। अब अनलॉक कैसे करेंगे, जो पॉपलिटिस मसल था लेटरल साइड में उसको आप मूव करेंगे, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पॉपलिटिस थोड़ा सा इसको लेटरली रोटेट करेगा और जैसे ही पॉपलिटिस इसको लेटरली रोटेट करेगा ये जो आपके लिगामेंट हैं जो अनट्विस्ट हो जाएंगे, वो लूज पड़ जाएंगे, वो स्लैकिंग हो जाएंगे और ये जो स्लैकिंग हो जाएगी ये आपकी नी को जो है वो लूज कर देगी, इसके कैप्सूल को और उसके लिगामेंट को, और जैसे ही लूज होंगे तो आप फ्लेक्शन करने के काबिल हो जाएंगे। तो आपने ध्यान में रखना है जब नी लॉक होती है तो मीडियली रोटेटेड होती है और सारे मसल यहाँ पर टाउट हो जाते हैं, मजबूत रहते हैं और वो फ्लेक्शन अलाउ नहीं कर रहे होते। जब आपने इसको अनलॉक करना होता है तो आप पॉपलिटिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पॉपलिटिस थोड़ा सा इसको लेटरली रोटेट करता है, जैसे ही नी लेटरली रोटेट होती है वैसे ही इसके लिगामेंट जो है वो लूज हो जाते हैं और जैसे ही इसके लिगामेंट लूज हो जाते हैं वैसे ही आप इसको जो है फ्लैक्स करने के काबिल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी मार्च पास करते हो फौजी को पीछे से एकदम धक्का दे देंगे तो चूंकि वो मार्च कर रहा है और उसकी नी एक्सटेंडेड है तो वो अपने आप को संभाल नहीं सकेगा और वो नीचे गिर जाएगा एकदम। हाँ, यही अगर आप उनको मौका देंगे कि वो अपनी नी को थोड़ा सा लेटरली रोटेट करके अनलॉक कर ले तो फिर वो अपने आप को संभाल सकेगा, ठीक हो गया बेटे। तो ये लॉकिंग अनलॉकिंग एग्जाम में चूंकि अक्सर पूछी जाती है तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जब हम देखते हैं तो हम बात करते हैं नी के ऊपर फ्लेक्शन की और नी के ऊपर एक्सटेंशन की। तो कौन कौन से मसल हैं जो नी की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाते हैं वो आपको मालूम है। तो अगर आपने नी को फ्लेक्स करवाना है तो आपको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल थे थाई गए अपने पड़े थे, बाइसेप, सेमी टेंडोसिस, सेमी मेम्ब्रोसिस, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपने उनकी एक्सटेंशन करवानी है तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपकी क्वाड्रिसेप मसल थे आपने उनको इस्तेमाल करना है। मीडियली रोटेट अगर करवा रहे तो ये मीडियल कंपार्टमेंट के मसल थे जिनमें सार्टोरियस और ग्रेसिलस था उनको आपने इस्तेमाल करना है। और लेटरली रोटेट करवाना है तो मैंने आपको बताया पॉपलिटिस जो है और जो बाइसेप फेमोरस है वो आपके लेटरल रोटेशन करवाते हैं नी जॉइंट की, ठीक है बेटा। अब ये सारी इसके अंदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन सारी चीज़ हो गई, ये लॉकिंग अनलॉकिंग का पूरा जो मैकेनिज्म है वो मैंने इस स्लाइड में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, और इस स्लाइड में इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, इन दोनों स्लाइडों में मैंने जमा कर दिया तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चूँकि नी एक बहुत बड़ा बहुत ज़बरदस्त जॉइंट है तो उसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है। मूवमेंट है मैंने यहाँ लिख दी है, आप देख लीजिएगा। तो जब हम नी की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जनाब अली ये जो स्ट्रॉन्ग मसल है नी के उनकी टोन पर डिपेंड करती है और लिगामेंट की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक हो गया। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है और ये बात आपने भूलनी नहीं है। स्पेशली ये स्लाइड मैंने जो फिजियोथेरेपी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे जो ये जो चैनल है बहुत सारे फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट भी देखते हैं, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है जो फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट होते हैं उनके पास नी जॉइंट के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि नी मैंने आपको बताया बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है और सबसे ज़्यादा गड़बड़ भी इसी के अंदर होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, बात को भूलना नहीं है। तो आपने जो नी के मसल हैं जो अभी मैंने आपको बताया सारी मूवमेंट के बनने वाले मसल, उनकी स्ट्रेंथ डेवलप करवानी है और साथ ही उसको आपने जो है ऐसे ऐसा उसकी मोबिलिटी को एनहांस करना है। एकदम मोबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में लगेंगे तो कुछ भी हासिल वसूल नहीं कर सकेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट नी जॉइंट। तो ये आपको नी जॉइंट के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपके सारे जो बेसिक प्रॉब्लम होंगे वो मैंने एड्रेस कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई चीज़ है जो रहती है और जो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ जाइए, जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स के आपको बताया खुद जवाब देता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका खुद जवाब दूंगा। एक और चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई बेटा इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।